छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से हुई। जहां एक ओर सत्ता पक्ष बजट पेश करने की चर्चा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्यपाल के भाषण पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजिम पुन्नी मेला को राज्य सरकार ने अभी बदला नहीं है, लेकिन राज्यपाल के भाषण में राजिम कुंभ शब्द का प्रयोग आया है, जो कि आपत्तिजनक है। वहीं आदिवासियों के उत्थान के लिए ये सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोग हमें कहते थे कि हम एटीएम हैं, लेकिन हम बता दें कि हम आम जनता के लिए एटीएम थे। छत्तीसगढ़ के युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, गरीब किसानों के लिए हम एटीएम थे। जो आप सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि अभी तक के राजिम पुन्नी मेला ही राजपत्र में प्रकाशित है, राज्य सरकार ने अभी कोई परिवर्तन किया नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राजिम कुंभ कल्प की बात कही गई है, तो सरकार ने राज्यपाल महोदय से वैसे भी झूठ कहलवाया है। अब तो ये लोग बैंक बन गए हैं, सीधा अडानी को सौंप दिए हैं। अब तो कोई भी जंगल खोदो, कहीं भी कोई भी काटो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग को एटीएम बोलते थे, हम लोग एनी टाइम मनी किसके लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गोबर विक्रेताओं के लिए, इसके लिए एटीएम थे। ये तो सच में ये पूरा प्रदेश अडानी को सौंपने जा रहे हैं।